फतेहपुर में राजा का तालाब के एक निजी अस्पताल में लापरवाही का मामला सामने आने के बाद अस्पताल के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार के आदेशों के बाद स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल के खिलाफ शिकायत किए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। राजा का तालाब के एक निजी अस्पताल के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार के आदेशों के बाद स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल के खिलाफ शिकायत किए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। स्वास्थ्य मंत्री ने दो टूक कहा कि अगर अस्पताल सील करना पड़े तो किया जाए और मामले में एफआईआर दर्ज हो। इसके लिए उन्होंने सीएमओ डॉक्टर आरएस राणा को पुलिस को शिकायत सौंपने के लिए कहा है। मंत्री के आदेशों के बाद सीएमओ ने बीएमओ को शिकायत करने के आदेश जारी कर दिए हैं। सीएमओ डॉक्टर आरएस राणा ने कहा कि मंत्री के आदेशों के बाद निजी अस्पताल के खिलाफ शिकायत सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राजा के तालाब के निजी अस्पताल में एक मामला सामने आया जिसमें निजी अस्पताल ने एक व्यक्ति के पेट का ऑपरेशन किया और प्लास्टिक के कवर से टेप लगाकर पेट को बंद करने की कोशिश की गई। रेहन के परडूही गांव के करमचंद को अचानक पेट में दर्द हुआ तो परिवार के सदस्य 11 जुलाई को उन्हें फतेहपुर के एक निजी अस्पताल ले गए। चिकित्सकों ने भी ऑपरेशन कर दिया। टांके खोलकर उन्हें घर भेज दिया गया लेकिन वे पूरी रात सो नहीं पाए। जहां ऑपरेशन के लिए चीरा लगाया गया था वहां से पेट खुल गया था और परिजन दोबारा मरीज को निजी अस्पताल ले आए जहां पर 10-12 दिन तक मरीज को दाखिल किया गया लेकिन जब चिकित्सकों के हाथ खड़े हो गए तो मरीज को टांडा रेफर किया गया। पुलिस की छानबीन कर रहे हैं और कर्मचंद जी जैसे बहुत से लोग जो हैं ऐसे प्राइवेट नर्सिंग होम में उनको लूटा जा रहा है और ऐसे अस्पतालों के खिलाफ हम शीघ्र अतिशीघ्र कार्रवाई करने वाले। सर ऐसे एक मामला है जिसका ऑपरेशन था, ऑपरेशन जो है उसको बीमारी थी जो कैंसर की लेकिन उसका किसी और चीज़ का ऑपरेशन कर दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, आप जो पूछना चाहते हैं ऐसे जो भी अस्पताल हैं, चाहे आपका राजा का तालाब है, चाहे वो जिला कांगड़ा में कोई और अस्पताल है, हिमाचल प्रदेश में है, ऐसे अस्पतालों को सूचीबद्ध करने के बाद कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा। सिटी चैनल के लिए कांगड़ा से दौलत चौहान की रिपोर्ट।